दरअसल हम घूमने जा रहे हैं, हमने क्विज में बम्पर प्राइज जीता है, सुना है वो अच्छी जगह है। क्या आप वहाँ गई हैं? अगर आप वहाँ गई हैं तो बताइए वहाँ घूमने की कौन सी अच्छी जगह है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं, बोलिए ना। बेटा जब वहाँ पहुँचोगे तो सब पता चल जाएगा। हम लोगों को एक्शन एयरलाइन से जाना है सर, उसके लिए आपको उधर जाना होगा जी काउंटर पर। एक्शन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर A1313। अरे काउंटर नंबर भी 13 है। क्या कहा आपने, 13? ये तो अच्छा नहीं है। क्या हुआ? मैंने बचपन से सुना है कि नंबर 13 अनलकी होता है और इसमें भी यही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हैरी मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस फ्लाइट की बजाय इससे अगली फ्लाइट में चलें? फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। मिसी 13 नंबर अनलकी नहीं होता, बेकार की बातें मत करो। डैड देखिए ये दोनों काउंटर खाली है, लेकिन हम 3 पर चलते हैं क्योंकि हम 3 हैं। चलो यहाँ से शिनचैन, बेकार बातें करते हो हमेशा। एक्शन एयरलाइन से गोवा जाने वाले सभी यात्री इधर आए। अच्छा आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बैठने से पहले आपको क्या क्या करना है। ओह वाह वाह, आप कितना अच्छा बोलती हैं, अब बोलते जाइए। ताली बजाने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनिए क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको क्या करना है। क्या ये जरूरी है? अगर तुम ठीक से नहीं सुनोगे तो हम नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का पासपोर्ट चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके पास बोर्डिंग पास होना भी जरूरी है। अगर ये खो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम नहीं जा पाएंगे, समझे? आपने सब कुछ संभाल कर रखा है ना? हाँ सब कुछ है मेरे पास। अरे क्या हो गया हैरी? मैंने तो सारी चीजें इसी पॉकेट में रखी थी मिस्सी। उफ़ डैड आपने ये क्या किया, अब उसके बिना हम कैसे जा पाएंगे? मैं तो डर ही गया। अरे आप लोग परेशान मत होइए। मिल गए, ये रहे देखो सब सही सलामत है। शुक्र है मिल गए। मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पासपोर्ट्स मिल चुके हैं। ये प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों का सामान नहीं खोए इसके लिए आपको कार्ड मिलेगा, उस पर अपना नाम और पता लिखना है। अब अगर आप में से किसी को कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ सकता है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या आप भी साथ चलेंगी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगी। इससे पहले कि मेरा और दिमाग खराब हो, इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ। आप सब लोगों को वहाँ पर जाना है। चलता हूँ। आपके पास जो कुछ भी है आप लोग यहाँ रख दीजिए, ये सब कुछ आपकी सिक्योरिटी के लिए है। क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि मेरे डैड के पास कितने पैसे हैं? नहीं बेटा, ये लोग इस बात की चेकिंग कर रहे हैं कि कोई गलत चीज तो नहीं ले जा रहा है। शिनचैन तुम्हारे पास पॉकेट में जो कुछ भी है उसे निकाल दो। ओके। होई। होई। और क्या अभी भी कुछ बाकी है बेटा? इतनी सारी चीजें कैसे रख लेते हो तुम? एक मिनट मैम। सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आइए अब आपकी बारी। माफ कर दीजिए प्लीज हैरी। आखिरकार हम लोगों की सारी चेकिंग तो पूरी हो गई। अरे वो क्या है? अरे इस पर लोगों को चलने की जरूरत नहीं होती। शिनचैन ध्यान से आना, कहीं गिर मत जाना। अरे वाह कितना बड़ा प्लेन है, आप देख रही हैं ना मॉम? अभी तो बहुत देर पड़ी है मिस्सी। नहीं हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम सही वक्त पर पहुँचे हैं। शिनचैन जरा ध्यान से उतरना बेटा। अरे शिनचैन तुम्हारे जूते कहाँ हैं? वहाँ पर। अरे हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है पहले ही। हैरी जल्दी कीजिए। परेशान क्यों हो रही हो, वहाँ जाकर नए जूते ले लेंगे। तुम हमेशा हमें परेशान क्यों करते रहते हो बताओ।
मैं प्लेन में पहली बार बैठूंगा। एक्शन एयरलाइन से जाने वाले सभी यात्रियों को एक बार फिर से सूचित किया जाता है, आप सभी जल्द से जल्द गेट नंबर 4 पर पहुंचें। चलो शुक्र है मित्सी, आखिरकार हम पहुंच ही गए। डैड आप भी ना इतना धीरे दौड़ने लगे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। वेलकम, क्या मैं आप लोगों की सीट का नंबर जान सकती हूँ? हमारे सीट नंबर हैं 55A, 55B और 55C। आप लोगों की सीट यहाँ बाई तरफ है, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ? मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, क्या ये प्लेन आप ही उड़ाने वाली हैं दीदी? नहीं, इसे उड़ाने के लिए पायलट हैं, बुद्धू कहीं के। मुझे पता है। ये रही हमारी सीट। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठूंगा, क्योंकि अगर मुझे उल्टी आएगी तो मैं खिड़की खोल सकता हूँ ना। खिड़की खुलती नहीं है शिनचैन। लेकिन मुझे फिर भी वहीं बैठना है, खिड़की वाली सीट पे। बैठने दो, नहीं तो परेशान करता रहेगा पूरे रास्ते हम दोनों को। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं खिड़की वाली सीट पे ही बैठूंगा। शिनचैन अपने जूते उतार लो बेटा। ओके, मुझे तो उधर वाली सीट पे बैठना है। नहीं, तुम सही जगह बैठे हो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लाइफ जैकेट को कैसे पहना जाता है। ये जैकेट किस काम आती है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर प्लेन पानी में गिर जाता है तो हमें इसे पहनना चाहिए, समझे बेटा? अगर प्लेन पानी में नहीं गिरा तो हम इसे नहीं पहन पाएंगे, पर मुझे इसे पहनना है। प्लेन को पानी में कैसे गिराएं? अरे मित्सी, इसे पहनने के बाद इन बेल्ट को आपको इस तरह बांधना है, समझ गए आप सब? इसके बाद आप इसे खींचिए, अगर हवा खुद नहीं भरती है तो आप ऐसे भी भर सकते हैं, समझ गए आप लोग? मैम, जैसे ये दीदी बता रही हैं, क्या अभी वैसे ही बता सकती हैं? अगर आप लोगों में से किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। हाँ? दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आपने इसे पहनने के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया। आप लोगों का शुक्रिया, किसी ने नहीं समझाया। आप लोगों का सफर अच्छा रहे। हम लोग उड़ने के लिए तैयार। ये क्या हो रहा है? वाह, अरे वाह, हम बादलों के ऊपर है। मैम, शिनचैन ऐसे चिल्लाओगे तो सबको परेशानी होगी, ये बुरी बात है बेटा। बच्चे आजकल ये बात समझते ही नहीं है, सच में। बात ये है कि हम लोग पहली बार सफर कर रहे हैं ना। अरे वो रहा हमारा घर, कितना छोटा दिख रहा है। वो क्या है, यहाँ से तो कितना मजा आ रहा है। अरे वाह, अरे वो क्या है, वोरा नैनी का घर, वोरा भो का घर, वोरा का सामा का घर। आप में से किसी को मैगजीन चाहिए पढ़ने के लिए तो ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आएंगी आप प्लीज? वैसे मुझे लगता है कि अपना ध्यान बटाने के लिए हमें कोई अच्छी मैगजीन पढ़नी चाहिए। आपको इनमें से कौन सी मैगजीन चाहिए? एक्शन कैमिन की कॉमिक है। ये सारी कॉमिक्स तो बोरिंग है, कोई और नहीं है। प्लेन में कॉमिक्स नहीं मिलती, समझे? अरे वाह, यहाँ तो खाना मिल रहा है, देखिए हैरी। अरे इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार प्लेन में खाना खा रही हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे आपको खाने में वेज चाहिए या नॉन वेज? नॉन वेज। अच्छा ठीक है। नॉन वेज खाना वेज खाने से ज्यादा महंगा होता है, और अगर फ्री में मिल रहा है तो मेरी मॉम नॉन वेज खाना ही पसंद करेंगी, तो ढेर सारा लाना। चुप रहो। अरे वाह, ये कितना टेस्टी लग रहा है और सुंदर भी। अरे अब बस भी करो, इस तरह से पूरी रील खत्म हो जाएगी। आप में से किसी को टी या कॉफी चाहिए? चलो शिनचैन, हम खाना एंजॉय करते हैं, तुम्हारे डैड इस वक्त थोड़े बिजी हैं। मुझे एक और प्लेट चाहिए। ओह, आपने तो बहुत जल्दी खा लिया। शिनचैन तुमने बहुत खा लिया, अब तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा, समझे? ओह कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। आप लोगों को इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ, ये लीजिए।
ये सारा का सारा हमारे लिए, शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे एक जूस चाहिए। मुझे जूस चाहिए। दो जूस दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए, ये रहे आपके जूस। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एक जूस और प्लीज। बहुत जल्दी हमारा प्लेन लैंड करने वाला है एयरपोर्ट पर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वापस अपनी सीट पर जाइए और बेल्ट लगा लीजिए। हमें माफ कर दीजिए, बात यह है कि हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया। और अगर हम लोग टॉयलेट नहीं गए तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए हट जाइए। ये क्या? ये इनके बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से हुआ है। आप लोग जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बेल्ट लगा लीजिए। हाँ, आप लोगों ने टॉयलेट के अंदर सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? हाँ, हाँ। वैसे बात तो सही है। अब आगे की कहानी। पेट में अभी भी गड़बड़ लग रही है। चलो नीचे उतरते हैं, शायद ठीक हो जाए कुछ मिनट से। आप सही कह रहे हैं शिनचैन, चलो बेटा हम पहुंच गए। तुम ठीक तो हो ना शिनचैन? आप सभी का शुक्रिया, फिर से आइएगा। अब आप लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? आखिर हम पहुँच ही गए। कितनी खूबसूरत जगह है ना? यहाँ का सूरज कितना सुंदर है। अगर वो पूछेंगे यहाँ कितने दिन रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? पाँच। बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, एक हफ्ता। और यहाँ आने की वजह क्या बताएंगे? घूमने के लिए आए हैं, और क्या? बिल्कुल ठीक कहा। पाँच दिन और घूमने के लिए आए हैं। कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पर? पाँच दिन। अच्छा, तो घूमने आए हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आप परिवार के साथ घूमने आए हैं? जी हाँ, सही समझा आपने। वो रही मेरी वाइफ, उधर खड़ी हैं। आपका शुक्रिया। ये रहा अपना एक बैग। अब शिनचैन का बैग कहाँ गया? मैंने अपने बैग पर निशानी लगाई है, इसलिए वो आसानी से मिल जाएगा। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए, शाबाश बेटा। वो रहा। कहाँ है? नमस्कार सर जी, मैं आपका गाइड, आप कैसे हैं? बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी खुशी हुई। मॉम, डैड किसी अनजान आदमी से बात कर रहे हैं। अरे घबराओ मत बेटा, ये हमारे गाइड हैं, ये हमें पूरा शहर घुमाएंगे। यहाँ जो भी अच्छी अच्छी जगह है ना, हर जगह लेकर जाएंगे। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह है। ये भी घूमेंगे, तुम्हें कोई परेशानी है? अरे वाह, ये कितना सुंदर है, मैंने ऐसा नीला समुंदर पहले कभी नहीं देखा। अरे तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो, शांत हो जाओ, आराम से बैठो। अच्छा ठीक है। अरे वाह, पानी कितना साफ है, जरा देखो। इसके अंदर तो सब कुछ नजर आ रहा है, मैं तो इसके बीच में रहूंगा। चारों तरफ पानी होगा और मुझे शेर को घुमाने भी नहीं ले जाना पड़ेगा। शिनचैन, कितनी बार कहा है चुप बैठा करो। तो सर, ये रही आपकी कमरे की चाबी, 4848 कमरा नंबर। ओ, काश मामली होती तो मजा आता। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यहाँ से समंदर कितना खूबसूरत दिखता है। आप सच कह रहे हैं, खूबसूरत नजारा है। और ये खूबसूरत नजारा हम अपने कमरे से रोज देख सकेंगे। मॉम, तैरने चली क्या? नहीं बेटा, आज नहीं। आज क्यों नहीं? कल सुबह पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग बाजार घूमने जाएंगे, उसके बाद यहाँ की मशहूर जगहों पर जाएंगे। मैंने सोच लिया है, पाँच दिन हमें क्या करना है। ये कोई बात नहीं होती, यहाँ हम सब घूमने आए हैं और आपने खुद सारा प्लान बना लिया। मुझे मालूम है तुम लोग अपने मन की करोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे? अगर हम तैरने नहीं जाएंगे तो आप भी शॉपिंग करने नहीं जाएंगी। अरे बस करो, इतनी शांत हो जाओ, एक बार शिनचैन की भी बात मान लोगी तो क्या हो जाएगा? ये क्या कह रहे हैं? अरे हम यहाँ छुट्टियाँ बिताने आए हैं, मजे करने। तो ठीक है हैरी, हम इसी वक्त समुंदर के किनारे जाएंगे। ये हुई ना बात। वाह शिनचैन, अब क्या कहते हो?
तभी तुम यहाँ पर आने के लिए कह रहे थे मित्सी। हाँ हाँ मैं आपकी बात समझ गई हूँ, ये तो वाकई बहुत सुंदर जगह है। शिनचैन तुम यहाँ आना चाहोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा तैर लेते हो बेटा। ऐसा क्या? मामी अच्छी बात नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अपना मुंह बंद रखो, अभी तुम्हें पानी में भी नहीं गया। हैरी आया। ये नजारा कितना खूबसूरत है ना डैड? हाँ सच में बहुत खूबसूरत, जरा सूरज को देखो। सचमुच? देखो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारे सिवाय ये खूबसूरती कोई नहीं देख पा रहा। सुनो सुनो, आप लोग डूबता हुआ सूरज क्यों नहीं देख रहे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुनिए सुनिए। अरे बस चुप हो जाओ शिनचैन। ये लोग भी ना, पता नहीं इन लोगों को इस खूबसूरत नजारे की कदर क्यों नहीं है, फिर क्यों आए हैं ये लोग यहाँ घूमने के लिए? हमें बाकी लोगों से क्या लेना हैरी? मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मित्सी। बेहद खूबसूरत है। ओ हैरी। ओ मित्सी। मेरी प्यारी डैड। हमने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की हैरी। मैम आपके मूड का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी गुस्सा कभी प्यार। हैरी कितना अच्छा हो अगर हम हमेशा ऐसे ही रहें। मैं भी चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें। ओ हैरी। ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।